हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि एसएससी के द्वारा यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा कौन से नए चेंजेज लाए गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टीयर वन यानी कि प्री एग्जाम के बारे में, तो उसमें जैसे पहले मैथ था, रीजनिंग था, जीके और इंग्लिश था, तो वो चारों सब्जेक्ट वैसे ही हैं। उनका नंबर भी सेम है, लाइक मैथ के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, जीके के 25 क्वेश्चन और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन रहेंगे। और उनका जो मार्क्स रहेगा दैट इज 25 क्वेश्चन के 50 मार्क्स, फिर रीजनिंग के वैसे ही 50 मार्क्स और जीके के 50 मार्क्स और इंग्लिश के 50 मार्क्स। तो टोटल क्वेश्चन रहेंगे 100 और टोटल मार्क्स रहेगा 200। अगर हम बात करें टाइम की कि टाइम कितना रहेगा, तो टाइम जैसे पहले रहता था 1 घंटा, तो अभी भी वो टाइम 1 घंटा ही है। एंड निगेटिव मार्किंग जैसे पहले था 0.5 फॉर इच रॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए 0.5 नंबर काटा जाएगा, तो इस बार भी वैसे ही है। तो ये तो हो गया टीयर वन यानी कि प्री एग्जाम के बारे में। और जो चेंजेज हुआ है इसको लेके, उसमें ये है एग्जाम जो है टीयर वन एग्जाम जो है वो कैसा होगा, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होगा नेचर में, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ उसमें पासिंग मार्क्स लाने हैं। तो अब हम बात करते हैं टीयर टू यानी कि आपके मेंस एग्जाम के बारे में, जो कि आपका रिजल्ट बनाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर वन के बारे में। पेपर वन में 2 सेशन है, सेशन वन एंड सेशन टू। सेशन वन के अंदर 3 सेक्शन है, दैट इज सेक्शन वन, सेक्शन टू और सेक्शन थ्री। तो सेक्शन वन के अंदर जो सब्जेक्ट आते हैं दैट इज मैथ और रीजनिंग। सेक्शन वन के अंदर 2 सब्जेक्ट है, मैथ और रीजनिंग। मैथ में 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स और रीजनिंग में भी 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स। और टोटल जो टाइम है वो आपको मिलेगा 1 घंटे का। और निगेटिव मार्किंग की बात करें तो प्रत्येक गलत क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपका कट जाएगा। दूसरा है सेक्शन टू, जिसमें हम बात करेंगे इंग्लिश और जीके के बारे में, यानी कि जिसके अंदर आपका सब्जेक्ट आएगा इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। तो इंग्लिश में टोटल क्वेश्चन जो है वो रहेगा 45 एंड टोटल मार्क्स जो है वो रहेंगे 135, यानी कि प्रत्येक एक क्वेश्चन के लिए, प्रत्येक एक सही क्वेश्चन का आपको नंबर मिलेगा 3 और प्रत्येक एक गलत क्वेश्चन के लिए आपका 1 नंबर जो है वो कट जाएगा। तो इंग्लिश में टोटल क्वेश्चन रहेंगे 45 एंड मार्क्स मिलेंगे आपको 135। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो टोटल क्वेश्चन होंगे 25 एंड मार्क्स होंगे 75। एंड अगेन इसके लिए भी आपको टाइम मिलेगा 1 घंटे का। और निगेटिव मार्किंग जो है वो प्रत्येक एक गलत के लिए 1 नंबर कट जाएगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन थ्री के बारे में। सेशन वन का सेक्शन थ्री जो है उसके अंदर आपका सब्जेक्ट होगा कंप्यूटर, और जिसमें आपके क्वेश्चन होंगे टोटल 20 एंड मार्क्स मिलेंगे आपको 60, यानी कि 20 क्वेश्चन 60 नंबर के, और टाइम जो मिलेगा वो मिलेगा आपको 15 मिनट का। और सेशन टू के दूसरे सेक्शन की बात करें दैट इज बी, तो उसमें आपका सिर्फ टाइपिंग का टेस्ट होगा, जिसके लिए आपको टाइम मिलेगा 15 मिनट्स एंड टोटल वर्ड्स जो होंगे वो 2000 वर्ड्स होंगे, यानी कि 15 मिनट में आपको 2000 वर्ड्स टाइप करने होंगे, यानी कि 1 मिनट में आपको 80 वर्ड्स टाइप करने होंगे। तो आपका स्पीड जो है वो 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। तो ये तो हो गया टीयर टू के पेपर वन के बारे में। अब हम बात करते हैं टीयर टू के पेपर टू और पेपर थ्री के बारे में। एंड हाँ, वन मोर थिंग, ये चारों एग्जाम जो है सेक्शन वन, सेक्शन टू, सेक्शन थ्री और फिर एक इधर सेक्शन थ्री, यानी कि सेशन वन एग्जाम और सेशन टू एग्जाम, ये दोनों एक ही दिन होंगे। अब हम बात करते हैं टीयर टू के पेपर टू और पेपर थ्री के बारे में। तो पेपर टू और पेपर थ्री की बात करते हैं। पेपर टू में है आपका, पेपर टू में जो सब्जेक्ट है वो है स्टैटिस्टिक्स, और इसके अंदर क्वेश्चन होंगे टोटल 100 और मार्क्स होंगे 200, यानी कि 100 क्वेश्चन रहेंगे 200 नंबर के, और टाइम जो है वो 2 घंटे का रहेगा। ये जो पेपर है सिर्फ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए होगा। पेपर टू जिसमें स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है, तो ये जो एग्जाम है वो JSO यानी कि जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए होगा। एंड अब हम बात करते हैं पेपर थ्री के बारे में, जिसके अंदर आएगा आपका GS यानी कि जनरल स्टडीज, जिसके अंदर मेनली जो दिया हुआ है 2 सब्जेक्ट दैट इज फिनेंस एंड इकोनॉमिक, इन 2 पे ज्यादा फोकस करना है। तो और इसमें भी क्वेश्चन जो है वो टोटल 100 रहेंगे एंड मार्क्स रहेंगे टोटल 200, और टाइम जो है वो आपको 2 घंटे का मिलेगा। और ये जो एग्जाम है
असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए होगा या फिर असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए होगा। तो यही टोटल चेंजेस है जो एसएससी के द्वारा लाए गए हैं। तो यही सारे चेंजेस जो है इस बार सीजीएल 22 में लाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि इस बार जो वैकेंसी आई है वो बहुत ज्यादा है। इस बार की वैकेंसी करीब 20,000 के आसपास है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।